हेलो, राम राम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही आसान रेसिपी, जो कि खाने में टेस्टी है, बनाने में बहुत इजी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया आधा कप के करीब चावल, 1/4 कप के करीब चने का दाल, 1/4 कप के करीब अरहर का दाल। फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 4 घंटे के लिए भिंगो के छोड़ देंगे। 4 घंटे के बाद पानी को स्ट्रेन करेंगे, फिर से इसे वॉश करेंगे और इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार होने के बाद इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर, प्याज, हरा मिर्च, अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने यूज़ किया है अपम मेकर का। अब वो भी गर्म हो चुका है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और स्पून के हेल्प से इसमें बैटर को डाल देंगे। एक बार पूरा भर जाने के बाद इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे से पकाएंगे, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दूसरे साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे। इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि ये हर एज ग्रुप को पसंद आएगा और काफ़ी हेल्दी भी है। इसके अंदर वेजीज भी जा सकते हैं और भी, लाइक कैप्सिकम और बीन्स। इसको गरम गरम ग्रीन चिली सॉस या फिर रेड चिली सॉस या फिर केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।